लोकसभा चुनाव से पहले पवन सिंह के बाद अब उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी का टिकट वापस लौटा दिया है। कथित अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद रावत ने अपनी दावेदारी वापस ले ली है। दरअसल बीजेपी ने जो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 195 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची शनिवार को जारी की थी, उसमें उपेंद्र सिंह रावत को फिर से बाराबंकी से मैदान में उम्मीदवार बनाया गया था। इस बीच सोशल मीडिया पर एक अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद रावत ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। उन्होंने कहा कि मैं तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक निर्दोष साबित नहीं हो जाता। कथित अश्लील वीडियो वायरल होने पर सांसद के प्रतिनिधि दिनेश चंद्र रावत ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस को दी गई शिकायत में वीडियो को फर्जी और एडिटेड बताया गया है। पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। वीडियो वायरल होने के संबंध में सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने बयान जारी किया था। उन्होंने कहा कि ये मेरा वीडियो नहीं है, ये एक फेक वीडियो है जो AI पद्धति पर बनाया गया है। इसमें मेरा चेहरा लगा दिया गया है। ये 2022 और 2023 के सारे वीडियो हैं। मुझे बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया है। इससे मेरी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। मैंने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। जिन लोगों ने घिनौना कृत्य किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बता दें कि सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो वायरल हुए हैं। वीडियो को लेकर दावा किया गया कि ये वीडियो बीजेपी सांसद उपेंद्र सिंह रावत के हैं। इन कथित अश्लील वीडियो में विदेशी महिला नजर आ रही है। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी सांसद रावत निशाने पर थे। इसके बाद से ही चर्चा थी कि पार्टी उनका टिकट काट सकती है। सोशल मीडिया पर जो कथित अश्लील वीडियो वायरल हुए हैं, उन वीडियो में तारीख तक पड़ी हुई है। जो वीडियो 5 मिनट की है, उस पर 31 जनवरी 2022 की तारीख दिख रही है। वीडियो का समय रात 8 बजे का है। वायरल हुआ दूसरा वीडियो भी मई 2022 का बताया जा रहा है। इसी के साथ कई और वीडियो भी वायरल हुए हैं। अब बीजेपी सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने एक्स पर एक पोस्ट करके खुद इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि मेरा एक एडिटेड वीडियो वायरल किया जा रहा है जो डीप फेक AI तकनीकी द्वारा जनरेटेड है। इसकी FIR मैंने दर्ज करा दी है। इसके संदर्भ में मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया है, इसकी जाँच करवाई जाए। जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं होता, सार्वजनिक जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। बता दें कि इससे पहले भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से अपना उम्मीदवार बनाया था, जहां से फिलहाल TMC नेता शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं। पवन सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूँ। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। तो यानी कि पहले पवन सिंह ने बीजेपी का टिकट वापस किया और अब बाराबंकी से सांसद रावत ने भी टिकट लौटा दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।